आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। मोदी के 2024 के मंसूबे को सफल बनाएंगे सूफी संत, 15 मार्च से शुरू होगा महाअभियान। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले राहुल विदेश में जाकर कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माफी मांगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आपको मौका दीजिए। आरएसएस महासचिव होस बोले कर राहुल पर निशाना, बोले वो अपना राजनीतिक एजेंडा लेकर चलते हैं। विधायक टी राजा सिंह के बिगड़े बोल, कहा हिंदू मांग कर रहे हैं कि देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की अपील, बोली मुझे मारे या गाली दे पर किसी की नौकरी नहीं छीने। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस का अहम कदम, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे सामवेद का पहला उर्दू अनुवाद लॉन्च। दिल्ली पुलिस के हिरासत में जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला, तेलंगाना सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बोले सरकार खुद नहीं चलाना चाहती सदन, राहुल गांधी क्यों माफी मांगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, बोली लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। महाराष्ट्र सरकार पर बरसे संजय राउत, तो बोले महाराष्ट्र की सत्ता पर बेईमान और चोर है, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। तीसरी बार सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए तेजस्वी यादव, नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला। सत्यपाल मलिक की सुरक्षा में कटौती नहीं मिलेगी जेड प्लस सुरक्षा, पूर्व राज्यपाल बोले मुझे पाकिस्तान से भी खतरा। बंगाल में 22 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को बर्खास्त करने का आदेश, हाईकोर्ट ने कहा इनकी नियुक्ति कानूनन बरकरार रखने लायक नहीं। दिल्ली दंगों के मामलों में 9 दोषी करार, कोर्ट ने कहा एक समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उपद्रव हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, अनुप्रिया पटेल की बहन के रिसेप्शन में हुए शामिल। योगी सरकार 2.0 का पहला वर्ष 25 मार्च को होगा पूरा, प्रदेश भर में उपलब्धियां बताएगी सरकार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश ने ट्वीट की तस्वीर, बोले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आ रही दरार, यूपी सरकार सपा को बनाए सलाहकार। जामिया मिलिया इस्लामिया में चांसलर बने डॉक्टर सैयदना, 7 साल तक एएमयू में रहे थे कुलाधिपति।
उत्तर प्रदेश के नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, 23 डीएम और 6 कमिश्नर की जल्द बदल सकती है जिम्मेदारी। काशीराम जयंती पर बसपा प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि, बोली आज भी हो रहे तिरस्कार, षड्यंत्र का जवाब सत्ता की चाबी प्राप्त करके देते रहना जरूरी। वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल, अदालत ने सुनवाई के बाद लिया ये फैसला। योगी सरकार की बड़ी घोषणा, सरसों चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी खरीद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर किया वार, बोले विवादित महाकाव्य है रामचरितमानस, कारोबार कर रही है बीजेपी। भाजपा सरकार पर गरजे शिवपाल सिंह यादव, बोले चुनाव लड़ने से रोक रही भाजपा, अफसर लूट रहे पैसा। बरेली में तिरंगा यात्रा से पहले तौकीर रजा नजर बंद, पुलिस ने आईएमसी अध्यक्ष रजा को किया नजर बंद। कल्बे जवाद का बड़ा बयान, बोले हमें सिर्फ योगी मोदी से उम्मीद, पिछली सरकारों में हमारे साथ ज्यादती हुई। सूर्य नमस्कार करते समय शिक्षक की हुई मौत, करजन ब्रिज पर कर रहे थे योग, गिरे और नाक से खून बहने लगा, फिर नहीं उठ सके। एयरफोर्स सर्जेंट ने की डॉक्टर दोस्त की हत्या, कानपुर में शराब पिलाए, फिर रॉड से वार किए, पत्नी से था अफेयर। प्रेम में धोखा खाई नाबालिग की, 16 दिन के बाद हुई मौत, प्रेमी ने अश्लील फोटो वायरल की थी, परेशान होकर 27 फरवरी को लगाई थी आग। महिला की दो बेटियों को उठा ले गए दबंग, बोले 12 घंटे बाद लौटा देंगे मां, बोली सीएम साहब मेरी बेटियां वापस दिला दो। अमेठी में स्कूल के अंदर युवती से रेप, हैंडपंप से पानी भरने गई थी, प्रिंसिपल ने केबिन में बुलाकर किया दुष्कर्म। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी को जमानत हयात, जफर हाशमी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, लेकिन अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। लखनऊ में छात्रा से गैंगरेप के दोषियों को उम्र कैद, 149 दिन बाद मिला इंसाफ, अगवा करके पहले झाड़ियों फिर ऑटो में की थी हैवानियत। आगरा में शादी के बाद वधू पहुंची थाने, कहा घर वालों ने जबरन अंकल से शादी करा दी, मुझे बचा लो। पत्नी से लड़ झगड़ कर शराबी पति ने लगाई फांसी, रात में पत्नी को नहीं आने दिया था घर के अंदर, पड़ोसी के घर बच्चे के साथ थी महिला। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में मारी गोली। हरदोई में बाइक सवार से दबंगों ने की लूटपाट, दो मोबाइल और नकदी छीना, लाठी डंडों से पीट पीट कर किया अधमरा। अमेठी के नामचीन पान व्यवसायी पर जानलेवा हमला, देर रात अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। कन्नौज में पेड़ पर लटके मिले युवक और युवती के शव, प्रेमी युगल की हत्या किए जाने की आशंका, मृतकों के पास से मिला सुसाइड नोट।
फिरोजाबाद में मुर्दों का अंतिम संस्कार करना भी चुनौती, जलभराव से होकर शव लेकर पहुंचते हैं शमशान घाट। उन्नाव में बिजली कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस, मांगे नहीं पूरी हुई तो करेंगे हड़ताल, मौके पर एक्सीएन समेत एसडीओ मौजूद। फतेहपुर में तेज रफ्तार चलती बाइक में लगी आग, युवक ने कूदकर बचाई जान, बाइक पूरी तरह से जलकर हुई राख। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, लैपटॉप और अवैध हथियार भी हुए बरामद, कार का शीशा तोड़कर करते थे चोरी। आगरा में एक सट्टेबाज गिरफ्तार, मलपुरा थाना पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा 5000 नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद। सीएम धामी ने फुलदेव पर्व के प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा बच्चों एवं युवा पीढ़ी को प्रकृति से प्रेम करने के प्रति जिम्मेदार हों। उत्तराखंड में बजट सत्र का तीसरा दिन, सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन शुरू। उत्तराखंड के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान घिरे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कई सवालों के जवाब देने से बचे मंत्री। उत्तराखंड में एक अध्यादेश और 6 विधेयक सदन में पेश, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास। उत्तराखंड सरकार को मिली बड़ी सफलता, अर्थव्यवस्था का आकार 3 लाख करोड़ के पार, प्रति व्यक्ति आय में 10.05% की बढ़ोतरी। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम धामी, प्रदेश के सीमांत जनपदों से जुड़े सैन्य मसलों पर विस्तार पूर्वक हुई चर्चा। उत्तराखंड बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, मदन बिष्ट ने तोड़ा माइक, सदन छोड़कर चली गई बिस अध्यक्ष। रेडी आपदा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया ने वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा की। उत्तराखंड में रेलवे की भूमि पर रेल प्रशासन ने तोड़ा अतिक्रमण, कब्जाधारियों ने किया विरोध, जमकर हुआ हंगामा। उत्तराखंड के नैनीताल में हुए सड़क हादसे में नेशनल जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन की हुई मौत, परिवार में शोक की लहर। उत्तराखंड में दिल्ली का एक फर्जी डॉक्टर हुआ गिरफ्तार, 6.5 लाख में इमलाक से खरीदी थी बीएमएस की डिग्री। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मोरी के 3 घरों में लगी भीषण आग, मिनटों में स्वाहा हो गई परिवारों की जीवन भर की कमाई। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटनाएं, एक साल में सामने आए 428 मामले, 80 लोग मारे गए। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही अधिकारियों के बिजली दफ्तर छोड़कर बाहर जाने पर रोक, एमडी से लेनी होगी अनुमति। अरुणाचल प्रदेश को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, चीन इंडो पैसिफिक के लिए खतरा।
पाकिस्तान में जंग का मैदान बना इमरान खान का घर, समर्थकों और पुलिस के बीच हुए हिंसक झड़प, कई लोग हुए घायल। इमरान खान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर जोरदार हमला, कहा मुझे जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। बाज नहीं आ रहा है तानाशाह, किम जोंग उन मिसाइलें दागने के बाद बोला दुश्मन का सफाया करने में मदद मिलेगी। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया बड़ा बयान, बोले मैं ही हूं जो तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकता हूं। रूसी जेट्स ने अमेरिकी ड्रोन को टक्कर मारकर गिराया, ड्रोन को 40 मिनट घेरा फिर ब्लैक सी में क्रैश कराया। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के बाहर भारतीयों पर हमले की धमकी, खालिस्तान समर्थकों ने अब रैली निकालने की घोषणा की। अमेरिका में 12% तक बढ़ा साल भर में हेट क्राइम, 2021 में अश्वेतों के खिलाफ अपराध के 2,233 मामले दर्ज हुए। चीन की सेना ने फिर खरीदे गलवान जैसे हथियार, कांटेदार हथौड़ा और भाले जैसी नोक वाला वेपन सामने आई अब तस्वीरें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा जर्मनी को नहीं है स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी, यूएस करता है कंट्रोल। मुश्किलों में अमेरिका का तीसरा बैंक एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी मंडराया संकट। रिलायंस मेट्रो डील को मिली मंजूरी, 2,850 करोड़ रुपए में हुई डील, कंपनी को एक 31 लार्ज फॉर्मेट स्टोर का एक्सेस मिला। मेटा से निकाले जाएंगे 10,000 कर्मचारी, सीईओ जुकरबर्ग ने रेवेन्यू में आई गिरावट को बताया वजह। जियो का नया फैमिली पोस्ट पेड प्लान हुआ लॉन्च, जियो प्लस में पहले महीने फ्री सर्विस मिलेगी, 3 एक्स्ट्रा कनेक्शन भी ऐड कर सकेंगे। सिद्धार्थ मोहंती ने संभाला एलआईसी चेयरमैन का चार्ज, 1985 में एग्रीटेक्स ऑफिसर के रूप में एलआईसी में शामिल हुए थे, एमडी की भी जिम्मेदारी। पोको X5 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 7 5G बैंड सपोर्ट से मिलेगी 2.5 GB/s की स्पीड, शुरुआती कीमत 19,000 रुपए। मूडीज का बड़ा दावा, कहा एशिया प्रशांत क्षेत्रों के वित्तीय संस्थानों पर अमेरिकी बैंकों के पतन का असर नहीं। ओपीएस के फंडिंग का पीएफआरडीए के तहत कोई प्रावधान नहीं, सरकार बोली ऐसे किसी प्रस्ताव पर नहीं हो रहा विचार। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर 400 स्टार्टअप प्रतिनिधियों से मिले, एसवीबी संकट से उबरने पर हुई चर्चा। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है, फरवरी में 25 महीने के निचले स्तर पर। नॉर्वे के डांस क्रू क्रेक स्टाइल के साथ फिर के विराट, रील बनाई बैट पकड़कर डांस किया, क्रू उन्हें फॉलो करता नजर आया। मोरक्को में खेला जा सकता है फीफा वर्ल्ड कप 2030, मेजबानी के लिए स्पेन और पुर्तगाल के साथ मिलकर मोरक्को लगाएगा बिड।
आईपीएल 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी शुरुआती 5 मैचों में नहीं होंगे उपलब्ध। गुजरात टाइटंस समेत 6 टीमों को बड़ा झटका। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 में मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में बनाई जगह। लगातार 5 हार के बाद भी रेस में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बरकरार। एलएलसी 2023 में इंडियन महाराजा ने एशिया लॉयंस को 10 विकेट से हराया। रॉबिन उथप्पा और गौतम गंभीर ने 75 गेंदों में ठोके 159 रन। डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस की लगातार 5वीं जीत। प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम गुजरात को 55 रन से हराया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड पर क्लीन स्वीप किया। तीसरे टी20 मुकाबले में 16 रन से हराया। सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल का बयान, बोले भारतीय महिला क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित होगा वर्ल्ड प्रीमियर लीग। डब्ल्यूटीसी फाइनल के फॉर्मेट पर भड़के आकाश चोपड़ा। इंग्लैंड में आयोजन से लेकर एक मैच से चैंपियन के फैसले तक उठाए कई सवाल। गुजरात टाइटंस, केकेआर और सीएसके की चिंता खत्म। श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में नहीं खेलेंगे केन विलियमसन और टीम सऊदी। ऑस्कर जीत कर इंडिया पहुंचे जूनियर एनटीआर एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, बोले हर भारतीय को धन्यवाद करना चाहता हूं। सोनू सूद का बड़ा बयान, बोले पहले दबंग को किया था रिजेक्ट, मुझे पहले वो रोल अच्छा नहीं लगा था। मां के निधन पर माधुरी ने लिखा इमोशनल पोस्ट, बोली वो यादों में जिंदा रहेंगी। सुबह उठी तो आई का कमरा खाली था। एक्टर समीर खाकर का निधन। टीवी सीरियल नुक्कड़ में खोपड़ी के किरदार से मशहूर हुए। शाहिद के साथ फर्जी में भी दिखे थे। नॉर्वे के डांस क्रू ने ट्रेन में किया जबरदस्त डांस। लेके पहला प्यार गाने पर दिखाए बेहतरीन डांस मूव्स। फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर नजर आई करीना, पोस्ट शेयर कर लिखा इन द वाइल्ड विद माय बॉय, गॉड ब्लेस अफ्रीका। सतीश कौशिक की मौत मामले में शानवी से 3 घंटे लगातार पूछताछ जारी। 5 सवालों में कोई जवाब नहीं दिए। जन्मदिन पर रोहित शेट्टी ने पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। स्टेशन के निर्माण में आर्थिक सहयोग भी किया। नाटू पर कोरियन एम्बेसी का डांस। एम्बेसी स्टाफ बोले कोरिया के लोग भारतीय फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। फिल्म गैसलाइट का ट्रेलर हुआ रिलीज। अक्षय ओबरॉय, विक्रांत मैसी, सारा अली खान लीड रोल में दिखेंगे। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।